दोस्तों, महेश्वरी रसोई में आज हम बनाएंगे एक बहुत ही कमाल की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड, जब कुछ बहुत टेस्टी सा खाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन रहती है कि ऑयल बहुत ज़्यादा जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है और ऑयल का यूज़ करेंगे हम ना के बराबर। तो चलिए, देर किस बात की है, सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला एकदम कम तेल का मज़ेदार नाश्ता स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया फ्रेंड्स एक मिक्सी का जार, जिसमें गया 3 टेबल स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट, और कोकोनट के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितने साफ करे हुए और भुने हुए चने। थोड़े से काजू डाल दें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। कुछ कलियां लहसुन की, अगर लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालें। और तीखा करने के लिए लाल मिर्च नहीं डालनी है, 5-6 हरी मिर्चें डाल दी, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और इसके साथ ही 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लें। बहुत ज़्यादा रनी सा आपका बैटर तैयार नहीं होगा, थोड़ा इस तरीके का थिक सा आपका तैयार हो जाएगा। तो आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कप जितना दही, दही आपको फ्रेश लेना है। और ये गया हरा धनिया, मैंने 1/2 कुचे जितना धनिया लिया है, 1/2 कप जितना पानी डाल दिया। और इन सब चीज़ों को एक बार बढ़िया सा मैंने चला लिया और ये देखिए परफेक्ट हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो बस गैस ऑन करी, पैन रखा और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल, मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तेल हुआ बढ़िया सा गरम, उसके अंदर गई 1/2 टीस्पून जितनी मस्टर्ड सीड यानी कि राई, और जैसे ही राई बढ़िया सी तड़की हम उसमें डालेंगे 10-12 पत्ते करी पत्ते के, जिससे बढ़िया टेस्ट आएगा। 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, जैसे मिर्चें थोड़ी सी फूल गई ना, बस समझिए तड़का तैयार है। और आप इसे डाल दीजिए चटनी पर और ये देखिए क्या तड़कती भड़कती चटनी तैयार हो गई है, मिक्स कर दिया। तो चलिए हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी ब्रेड की, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, लेफ्ट ओवर ब्रेड किसी भी बना सकते हैं। और ये जो ऊपर नीचे की ब्रेड होती है ना, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अमेजिंग टेस्ट की बन के तैयार होगी। तो चलिए ब्रेडों के बाद में अब हम इस तरीके से आप इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लें। आपकी 2-3 दिन पुरानी ब्रेड रखी हो ना, उससे बना सकते हैं, एजेस बचे हुए हों उनसे भी बना सकते हैं। और ब्रेड तोड़ने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 पिंच जितना नमक, क्योंकि ब्रेड से नाश्ता बनाने हैं फ्रेंड्स, नमक बहुत ही कम लगेगा क्योंकि ब्रेड भी हल्की सी नमकीन होती है। और अब हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक कटी हुई 5-6 हरी मिर्चें और तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया और ये मैंने लिया है 1/2 कप जितना फ्रेश दही, दही आपको फ्रेश लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें। और जितना दही लिया है बिल्कुल उतना ही ले लें आप पानी, और सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। एकदम बेसिक से मसाले जाएंगे और टेस्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। तरीका थोड़ा सा नया है पर आपको बहुत पसंद आएगा। और चलिए सब चीज़ें मिक्स हो गई बढ़िया सी बाइंडिंग के लिए, 1/2 कप जितनी हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी मोटी हो बारीक हो कोई इशू नहीं है, आपको कोई मिक्सी में नहीं चलाने की ज़रूरत है, बस सूजी डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। और फ्रेंड्स सूजी होती है बहुत ही प्यासी, ये सारे पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये देखिए सूजी ने सारा पानी पी लिया है, काफ़ी ड्राई सा होके हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है। तो अब बारी है इसमें कुछ सब्जियां डालने की। ये मैंने ले लिया है 1/2 टमाटर जिसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और उसके साथ ही 1 छोटा सा प्याज लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है। आप इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये गया हरा धनिया, अच्छे से मिक्स किया। और अब बारी है इसके लिए एक मज़ेदार स्टफिंग बनाने की, बहुत ही बेसिक सी स्टफिंग बनाएंगे। तो 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, आलूओं को छील लिया, और आपको इसके लिए कद्दूकस नहीं करना है, बस रफली सा इस तरीके से तोड़ लें। और बारी है मसाले डालने की, तो सबसे पहले गया 1/2 चम्मच जितना प्याज, उसके साथ ही चिली फ्लेक्स डाल दिए, आप नॉर्मल लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, 1 पिंच जितना नमक डाल दिया क्योंकि फ्रंट ब्रेड से नाश्ता बना रहे हैं। और इसे खट्टा करने के लिए हम अमचूर पाउडर या इमली नहीं डालेंगे, हम डालेंगे नींबू का रस। और ये गया हरा धनिया, बहुत ही लाइट सी और बहुत ही टेस्टी ये स्टफिंग तैयार होती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी उसे इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बना ली। वैसे तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 वे शेयर करूंगी, एक तो अप्पा पत्रा में, और अप्पा पत्रा में बनाने के लिए जो बैटर तैयार था उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना या तो बेकिंग पाउडर या 1 शीशी आप इनो डाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो बस मैंने डाला है इनो,
आप इनो से बनाएं या बेकिंग पाउडर से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और सेम टेस्ट का बनकर तैयार होगा। उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, बढ़िया सा एक बार मिक्स किया। बहुत ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे आप देखेंगे इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा और हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे, यानी हमारा मिश्रण अब नाश्ता बनाने के लिए तैयार है। तो अपा पत्रा मैंने गर्म कर लिया और इसे मैंने ग्रीस किया है थोड़े से देसी घी के साथ। देसी घी के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप चाहें तो बटर से बना सकते हैं और भी बढ़िया बनेगा, वरना आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल से बनाइए। और हम इसे आधा आधा बैटर से फिल कर देंगे। आपको अभी इसे पूरा फिल नहीं करना है, सिर्फ आधा आधा फिल कीजिए। और जब ये आधा आधा फिल हो जाए, सीखते हुए एक मिनट के करीब भी हो जाएगा, तो बस हमने वो जो गोलियाँ बनाई थी ना स्टफिंग की, इस तरीके से सेंटर में आप सेट कर दीजिए। और ऊपर से थोड़ा सा बैटर हम और अच्छे से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, कभी ज़्यादा जल्दी हो या आपको बिना स्टफिंग वाला बनाना हो तो कोई इशू नहीं है, आप बिना स्टफिंग के भी इसे बना सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। वेजीज भी आप अपने मन से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो भी वेजीज पसंद हो, कच्ची खा सकते हो आप, वो डाल सकते हैं। तो बस ये देखिए अच्छे से कवर हो गया। वैसे तो मैंने जो अपा पता है यूज़ किया है वो नॉन स्टिक है, तो आप चाहें तो बिल्कुल बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा थोड़ा सा देसी घी ऊपर से और अप्लाई कर रही हूँ, जिससे इनका दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा और देसी घी का जो अरोमा होता है ना, वो तो शानदार होता है। सीखते हुए करीब 1.5 मिनट हो चुका है और अब आप ये देखिए हमारा जो अप्पे थे ब्रेड के, वो बढ़िया से एक तरफ से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। तो अब एक बार आप इसे टर्न कर दें। टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम आराम से हो जाएंगे। बस पहले जब आप सेके ना, अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लें। अगर आप इसे गीले को पलटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इनकी शेप ख़राब हो जाए। तो बस उलट पलट कर मैंने इसे करीब 2.5 से 3 मिनट तक सेक लिया है और ये तैयार, सिककर तैयार हैं। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो पहले तो रखिए अपने ये एकदम नए तरीके से बनी हुई चटनी, उसके साथ ही टमाटो केचप रखा, और ये रख लिए अपने ब्रेड के अप्पे जो कि बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए हैं। और फ्रेंड्स, देखने से ही आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जो इनका आउटर लेयर है बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से एकदम जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, माउथ वाटरिंग बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं इसे करती हूँ टेस्ट। अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो एक बार तो बनाना बनता ही है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें।